लीजिए, खबर हो गई है कंफर्म लेबनान की तरफ से भी, कुछ डॉक्यूमेंट लीक हो गए हैं। ये है डॉक्यूमेंट, एक एक पन्ना आपके सामने है। इजराइल लेबनान से डील करने के लिए जो शर्त रख रहा है, वो पूरे डॉक्यूमेंट लीक हो गए हैं, वो शर्तें लीक हो गई हैं। और क्या क्या और कैसे कैसे डील होना है, किस किस तरह से स्टेप आगे बढ़ेगा, ये सब इस कागजात में लिखा हुआ है। लेबनान की गवर्नमेंट ने खुद ऐलान किया है, लेबनान की सरकार ने, कि आने वाले कुछ घंटों या कुछ दिन के अंदर ही अंदर इसराइल के साथ हमारी डील हो सकती है। पहले चरण में होगा ये कि 2 महीने के लिए यानी 60 दिन के लिए सीज़ फायर होगा। सीज़ फायर के बाद यानी पूरी तरह से जंग बंद होगी, और उसके बाद यूएन का जो संशोधन है, यूएन का जो कानून है, वो पारित होगा और दोनों ही देश यानी अपने अपने एरिया में वापस चले जाएंगे। वहीं मेरे दोस्तों, इसी 60 दिन के दौरान होना यह है कि जो लेबनान की ऑफिशियल आर्मी है, वो हिजबुल्ला के तमाम जगह पर कब्जा करेगी और वहाँ पर तैनात हो जाएगी। यानी जहाँ हिजबुल्ला था, वहाँ पर इसराइल के कहने पर, एग्रीमेंट पर, लेबनान अपनी ऑफिशियल मिलिट्री तैनात करेगा। और उसी 60 दिनों के अंदर इसराइल को लेबनान से पूरी तरह से निकलना पड़ेगा। वहीं मेरे दोस्तों, बॉर्डर पर लेबनान की 10,000 फौज, जी हाँ, लेबनान की ऑफिशियली जो मिलिट्री है, वो 10,000 फौजी लेबनान के बॉर्डर पर अब तैनात होंगे इसी 2 महीने में। इस 60 दिनों के आखिर में इसराइल और लेबनान अमेरिका के ज़रिए इनडायरेक्ट वे में बात करेंगे, और जो यूएन का रेजोल्यूशन है उस पर बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक लेबनान में पूरी तरह से परमानेंट जंगबंदी हो जाए और इसराइल अपने मुल्क में पूरी तरह से वापस आ जाए, ये बात सबसे आखिर में 2 महीने के बाद की जाएगी, वो भी अमेरिका से इनडायरेक्ट वे में, दोनों ही करेंगे। वहीं लेबनान और इसराइल की भविष्य में कोई जंग ना हो, इसके लिए एक अलग ग्रुप बनाया गया है, जिसमें अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, ये तमाम देश होंगे, और ये सब मिलकर, जी हाँ, जिसमें इंटरनेशनल मिलिट्री भी है यूएन की, मिलकर लेबनान और इसराइल के बॉर्डर पर नज़र रखेंगे। अब दोस्तों, इस डील की सबसे बड़ी बात, इस डील की बड़ी बात यह है कि इसराइल की शर्त यह है कि अगर इन तमाम कदम उठाने के बाद भी हिजबुल्ला हथियार इकट्ठा करता है, हिजबुल्ला के लड़ाके एक बार फिर से मजबूत होते हैं, अपनी वो पोस्ट बनाते हैं, तो इसराइल जो ग्रुप बनाया हुआ है, जिसमें अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब देश हैं, इनसे कहेगा, यूएन से कहेगा और लेबनान की ऑफिशियली मिलिट्री से कहेगा, ऑफिशियल फोर्स से कहेगा कि आप इन जगहों पर जाइए, हिजबुल्ला को पीछे हटाइए। और अगर ये संगठन, ये ग्रुप हिजबुल्ला को रोक नहीं पाते हैं, तो अमेरिका से फिर फाइनल वो बात करेगा इसराइल, और फिर एक बार फिर से लेबनान पर डायरेक्ट अटैक कर देगा इसराइल। वहीं मेरे दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट लीक हुआ है, उस डॉक्यूमेंट में ये भी लिखा गया है कि लेबनान के ऊपर कभी भी इसराइल के जासूसी विमान और जासूसी ड्रोन जा सकेंगे, ये लेबनान की सरकार को मानना होगा। हाँ, शर्त ये रहेगी कि इसराइल कोशिश करेगा कि जो फाइटर जेट लेबनान के ऊपर जाए, जो ड्रोन लेबनान के ऊपर जाए, वो इतना ऊपर हो कि नीचे आम लोगों को ऊपर देखने पर नज़र ना आए कुछ भी। साथ ही फाइटर जेट या ड्रोन जो भी लेबनान के आसमान में जाएगा, वो साउंड बैरियर नहीं तोड़ेगा, यानी उसकी आवाज़ तक नीचे नहीं आनी चाहिए, यानी किसी को कानों कान खबर ना हो, चुपके से लेबनान इसराइल को पूरी परमिशन दे के रहे। जैसे ही इसराइल को ख़तरा लगेगा उसके देश के लिए, वो अपने फाइटर जेट और ड्रोन लेबनान में कभी भी घुसा सकेगा, ये इस डील में है। बड़ी खबर यह है कि नेतन्याहू को अभी भी लगता है कि लिखे हुए एग्रीमेंट से बेहतर यह है कि हिजबुल्ला को अपनी ताकत के दम पर मार पीट कर नुकसान पहुंचाकर पीछे ढकेला जाए। मेरे दोस्तों, हसन नसरुल्ला के एकदम टक्कर के अब जो नेता हैं, नसरुल्ला की जगह शेख नईम कासिम बिल्कुल टक्कर के हैं, उन्होंने ऐसा बयान दिया जिससे नेतन्याहू की नींद उड़ी हुई है, सर खुजा रहा है कि अब क्या करूं। शेख नईम कासिम ने कहा कि इसराइल हमारे घरों पर, हमारे अपनों के घरों पर,
हमारे गांव और शहरों पर बमबारी कर रहा है, लोगों को मार रहा है, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। हमने नेतन्याहू के घर के ऊपर एक ड्रोन भेजा था और वो ड्रोन नेतन्याहू के बेडरूम की दीवार पर टकराया था, लेकिन नेतन्याहू उस वक्त अपने घर में मौजूद नहीं था। लेकिन अगली बार ऐसा होगा कि नेतन्याहू अपने घर में मौजूद भी होगा और हमारा ड्रोन पहुंचेगा भी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई इजराइल का ही बंदा नेतन्याहू को कत्ल कर दे। दोस्तों, सुनने में बड़ी सिंपल लगी, लेकिन इस बात का कितना भारी मतलब है। अब सोचिए, इसी वजह से नेतन्याहू डरा हुआ है। जिंदगी नेतन्याहू की ये हो गई है, इस हैवान डरपोक की ये हो गई है। रिटन में डिटेल मौजूद है, देख लीजिए। इसकी ज़िंदगी पे कुछ चिट्ठे लिखे हुए हैं। नेतन्याहू इतना डरा हुआ है, इतना कि वो 24-24 घंटे बंकर में रह रहा है, ज़मीन के नीचे, ऊपर आ ही नहीं रहा है। वो बंदा अपनी पूरी सरकार के साथ बजट डिस्कशन बंकर के अंदर कर रहा है। ड्रोन लगातार इसको ढूंढ रहे हैं और कैबिनेट मीटिंग भी बंकर के अंदर कर रहा है। अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ जो पर्सनल टाइम है, वो भी बंकर के अंदर, शेल्टर के अंदर गुजार रहा है। और इसका बंकर इजराइल में कहाँ है, किसी को पता नहीं। चूहे की जिंदगी जीने से अच्छा शेर की मौत मरो, तो इसने चुनी है चूहे की जिंदगी। और शहीद होने वाला ड्रोन के सामने हाथ में लकड़ी लेकर सोफे पर शेर की तरह बैठकर शहादत पा गया और पूरी दुनिया में छा गया। उधर साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि 1-2 हफ्ते के अंदर लेबनान में सीज फायर हो जाएगा और इसराइल और लेबनान के बीच जंग खत्म हो जाएगी। हालांकि इसराइल की हरकतों से ऐसा लग नहीं रहा है। देखिए, इसराइल ने एक और अपनी मिलिट्री की डिवीजन, अपनी एक नई फौज लेबनान के बॉर्डर पर यूनिट तैनात कर दी है। वहीं इससे पहले जो रिपोर्ट में आपको बताया था कि लेबनान का बालबेक जो शहर है, इसराइल ने उसको खाली करने की धमकी दी है और खाली करने का वार्निंग दिया है। वो 9000 साल पुराना स्टेट है, वो 9000 साल पुराना शहर है, वहाँ पर इस्लामिक कल्चर है, वहाँ पर इस्लाम की निशानियाँ हैं। हजरत मोहतरम 9-10 हज़ार साल पुरानी इमारतें हैं। दोस्तों, दुख और बड़े दिल में दर्द देने वाली खबर यह है कि इसराइल ने वहाँ हमला करना शुरू कर दिया है। वहीं आइए दूसरे इलाकों की तस्वीर ये देखिए। इसराइल ने लेबनान के दूसरे शहरों और गाँव में लगातार बम लगाकर इलाकों को समतल और खाली किया है। इसराइल जंगबंदी से पहले, अगर वो जंगबंदी करेगा भी, तो लेबनान को यकीन कीजिए इतना नुकसान पहुंचा देगा कि लेबनान को वापस रिकवर होने में 50 साल लग जाएंगे। इसराइल ने लेबनान के ऑयल डिपो और ऑयल टैंकरों को भी उड़ा दिया है। देखिए,
इसके अलावा इसराइल ने लेबनान के रेजिडेंटल एरिया जहां आम जनता रहती है वहां ऐसी तबाही मचाई है कि अब चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ कयामत है। لك باب فين من هون من قدام ها هون هون انا انا لك هون انهي هون انهي هون لقلب لبرا انهي وقلب لبرا باب خلص هونيك خلص هونيك بردي بردي طيب يلا يلا باب يلا شغلي وتعالى عندي اعطي مي اعطي مي اعطي مي فيش اجهزه ايه هلا بدي اجهزه يا شباب وهي اسرائيل کی حیوانیت کی تصویر یہ ہے ان خوبصورت معصوم بے زبان بچوں کو دیکھیے اسرائیل نے لبنان میں ان بچوں کو بھی بمباری کر کے شہید کر دیا ہے اب سوچئے ایسے اسرائیل کے ساتھ بھارت کے ہندو کھڑے ہوئے ہیں اور چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں مودی جی والے ہندو کہ بی اسٹینڈ ود اسرائیل اس لیے وہ کھڑے ہیں کیونکہ مسلمانوں کا نرسنہار کر رہا ہے اسرائیل ورنہ تو گائے کا گوشت اسرائیل کھاتا ہے ان کے دھارمک بھاوناؤں کو چوٹ پہنچاتا ہے ماتا کالی جو مائی ہے ان کا اپمان بھی کر چکا ہے نتنیاہو کا بیٹا میرے دوستو یہ کتے کی نسل ان کی دم بھی ٹیڑھی ان کا دماغ بھی ٹیڑھا اور اوپر سے کھاتے ہیں گو تو گو جب کھائیں گے تو جسم کے نسوں میں جسم کے اندر کیا جائے گا گو موت تو ان کے دماغ میں کیا ہوگا گو اور موت اور پھر یہ بولیں گے تو کیا بولیں گے گو اور موت صرف زہر تو یہ بھارت کے اندھ بھکتوں کی زندگی ہے وہیں حزب اللہ نے جرمنی کو لتاڑ لگاتے ہوئے کہا ہے کہ یو این کی ملٹری سے جرمنی کی فوج باہر ہو جائے کیونکہ جرمنی اسرائیل کا اس کے نرسنہار میں پورا ساتھ دے رہا ہے میرے دوستو اس پوری رپورٹ کو کھل کر شیئر کیجئے اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں سے بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کروائیے میں ہوں رضا اور آپ دیکھ رہے تھے رضا گرافی انسکرپٹڈ جے ہند